हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 24 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि अगर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो उसको किस तरह से लीनियराइज कर सके, तो उस कंडीशन में उसका हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से निकालते हैं, ये हमने पढ़ा था। और साथ में उसके बाद वाली वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने लेक्चर नंबर 23 में, यानी अगर हमारे पास पी आई की फॉर्म में जो ये एफ एक्स है इसकी फॉर्म हो ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तब किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हमें पढ़ना है एफ एक्स की फॉर्म जो हो साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो, यानी हमारे पास फंक्शन हो इस तरह का एफ डी डी डैश और ये साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ये फंक्शन हो, तो उस कंडीशन हम इसको किस तरह से सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले देखते हैं, अगर हम डेरिवेटिव ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी वाई देखें तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस सॉरी कोस प्लस कोस ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये तो साइन का हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई का होगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी का मतलब यहाँ होता है हमारे पास डेल अपॉन डेल एक्स और डी डैश का मतलब होगा डेल अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे हमारे विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। फिर उसके बाद डी स्क्वायर हम देखें साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका, तो ये तो छोड़ देंगे, इसका करेंगे कोस का, तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी वाई। अब ए एक्स प्लस बी वाई करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसका डिफरेंशिएशन डी, तो ये डी तो है ही, पर इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई करें डी डी डैश निकालें, डी डी डैश या डैश डी डैश डी दोनों इक्वली होते हैं फ्रेंड्स, ये अगर हम निकालें तो उस कंडीशन में इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू बाई, तो इधर ए तो क्वांटिटी ये जाएगा कोस, कोस का करेंगे तो सॉरी कोस का करेंगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसका करेंगे वाई के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे हमारे पास बी आ जाएगा। अब इसी तरह से डी डैश अगर हम निकाल लें डी डैश साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी कोस ए एक्स प्लस बी वाई। अब फिर यहां पे यहां से हम डी डैश स्क्वायर निकाल लें, यानी इसका डबल डेरिवेटिव निकाल लें ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो फिर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहां से हम कह सकते हैं फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश का स्क्वायर का अगर ये फंक्शन है तो ये इक्वल टू आ रहा है हमारे पास फंक्शन ऑफ माइनस ए स्क्वायर और ए एक्स का ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये आ रहा है हमारे पास। अब फिर से इसमें हम क्या कर रहे हैं, और यहां पे ये है यहां पर भी है यहां पर मल्टीप्लाई डेरिवेटिव लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो ये हो गया हमारे पास। इस टर्म को मैं ऊपर लिख देता हूं, ये टर्म इस तरह से है हमारे पास एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश का स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी
माइनस बी स्क्वायर डॉट साइन ए एक्स प्लस बी वाई। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, वन अपॉन एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी स्क्वायर, दोनों तरफ ये ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर इस साइड में ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला, तो ये हुआ एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश का स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये हुए वन अपॉन एफ डी डैश सॉरी एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी स्क्वायर, और ये वाली पूरी टर्म यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर हमें वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एफ भी, यानी इस फंक्शन जो ये फंक्शन है इसका हम दोनों तरफ डिवाइड करें, तो यहाँ से ये जो संख्या लगती हो जाएगा हमारे पास, ये हट जाएगा। अब एफ साइन ए एक्स प्लस बी वाई, और हम इसका डिवाइड करें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन हो गया, और ये हो गया हमारे पास साइन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू, अब ये तो हमारे का पास कट जाएगा जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो ये बच जाएगा वन अपॉन एफ डी स्क्वायर डी डी डैश का स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी वाई। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये जेड के इक्वल होती है, तो यहां से हमारे पास आ गया, अगर ये केस है उस कंडीशन में हमारे पास पी आई जो होगा, इस कंडीशन में पी आई जो होगा वो होगा हमारे पास, यहां से हम देख सकते हैं वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन होगा, और साथ में साइन ए एक्स प्लस बी वाई, बशर्ते फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो हो, क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन इनफाइनाइट हो जाएगा और टेस्ट फेल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके फॉर्मूले और जो फॉर्मूले अगर साइन की जगह कॉस है, तो सिंपली अगर इसमें नॉन इक्वल टू जीरो है, नॉट इक्वल टू जीरो हो, सपोज अगर साइन की जगह हमारे पास कॉस आ रहा हो, तो हमारे पास अगर साइन की जगह कॉस आ रहा हो, तो फिर सिंपली इसमें फॉर्मूले कुछ चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ साइन की जगह कॉस चेंज कर देना है। सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला, अगर ये हमें फॉर्मूला कॉस की टर्म में देना हो, तब पी आई किस तरह देंगे, कॉस हो तो हमारे पास वन अपॉन एफ डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश का स्क्वायर साइन ए एक्स सॉरी कॉस हो तो यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू वन अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर का फंक्शन ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी वाई। तो इस तरह से हम देंगे जब अगर कॉस के लिए पूछा गया हो। बस अगर फ्रेंड्स जो कंडीशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, बट अगर इक्वल टू जीरो हो, तो इक्वल टू जीरो होने की कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर ये यहाँ पे ये टर्म जो है इक्वल टू जीरो हो, तो उस कंडीशन में हम करते हैं कि इसको हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी वाई बराबर होता है हमारे पास कोस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस आयोटा साइन ए एक्स प्लस बी वाई, यानी अगर हमारे पास साइन वाला पूछा हुआ है और ए एक्स प्लस ये टर्म जीरो हो रही है, तो हम इसमें चेंज करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन में बाद में जो ओनली सॉल्यूशन का जो इमेजिनरी पार्ट होता है
वो उसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। इसी तरह अगर cos ax + by वाली टर्म दी हुई हो तब और ये इक्वल टू 0 हो रहा हो, ये फंक्शन यहाँ पे ये इक्वल टू 0 हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे e टू द पावर आयोटा ए एक्स प्लस बी वाई में निकालते हैं और जो रियल पार्ट आता है सॉल्यूशन का वो इसका सॉल्यूशन होता है। इसके फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल मैं आपको एक ही वीडियो में इस तरह के सारे टाइप के एग्जांपल जो कि केस फर्स्ट से लेके लास्ट जो केस होंगे वहां तक के एक ही वीडियो में सारे तरह के एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, वहां पर जाके आप देख सकते हो उनको।